तुम हो कितने भोले भगवन, तुम हो कितने भोले भगवन, ये हम समझ ना पाए। पाप करें हम कितने भी, फिर भी तो पास बुलाए। ओ तुम हो कितने भोले भगवन, तुम हो कितने भोले भगवन। सदियों से तू बदले चोले, हर नए रूप में तू समझाए। सदियों से तू बदले चोले, हर नए रूप में तू समझाए। पर हम समझे रूप न तेरा, रूप न तेरा, रूप न तेरा। पर हम समझे रूप न तेरा, नए नए धर्म बनाए। कहते तो है तुझको विधाता, कहते तो है तुझको विधाता, पर विधि अपनी चलाए। पाप करें हम कितने भी, फिर भी तू पास बुलाए। ओ तुम हो कितने भोले भगवन। केदार तेरे बने हैं कितने, सब ऊंची बोली लगवाते अपने ही मतलब की खातिर। पत्थर में तुझको बिकवाते, प्यार तो तेरा समझे नहीं हम, प्यार तो तेरा समझे नहीं हम। पूजा ही कर पाए, पाप करें हम कितने भी, फिर भी तू पास बुलाए। कितने भोले भगवन, ये हम समझ ना पाए। पाप करें हम कितने भी, फिर भी तू पास बुलाए। ओ तुम हो कितने भोले भगवन, तुम हो कितने भोले भगवन।
जनवरी 2004 हेडिंग दिया है वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं क्या डायरेक्ट बच्चे हैं या इनडायरेक्ट डायरेक्ट बच्चे माना इनडायरेक्ट बच्चे किसे कहे और डायरेक्ट बच्चे किसे कहे अव्यक्त बाप दादा जिनके थ्रू मिलते हैं दीदी दादी दादाओं के थ्रू मिलते हैं वो जब बुलाएंगे तो मिलेंगे नहीं बुलाएंगे तो नहीं मिलेंगे तो डायरेक्ट हुए या इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट बच्चे यहाँ कौन से बच्चों की बात की है जो वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं वर्ल्ड अथॉरिटी सूक्ष्म वतन में होगा या इस वर्ल्ड में होगा इस वर्ल्ड में होना चाहिए तो जो इस वर्ल्ड में डायरेक्ट आया हुआ है हम बच्चों के लिए उस डायरेक्ट वर्ल्ड अथॉरिटी के हम बच्चे हैं इस स्मृति को इमर्ज रख सर्वशक्तियों को आर्डर से चलाओ क्या उसको नशा होता है कि हम डायरेक्ट वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं तो वो नशा क्या करेगा सर्वशक्तियों को इमर्ज करेगा और आर्डर से चलाएगा आज चारों इसने की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है क्या किसकी स्मृति विशेष साधारण ब्रह्मा बाप की नहीं विशेष विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है साधारण ब्रह्मा बाप और विशेष ब्रह्मा बाप इसमें क्या अंतर हुआ है साधारण ब्रह्मा बाप साधारण कार्य करके जाता है साधारण बेसिक नॉलेज की पढ़ाई पढ़ा कर जाता है और विशेष ब्रह्मा बाप विशेष कार्य करके जाता है जो और दूसरे मनुष्य गुरु करके नहीं जा सके जो भी दूसरे मनुष्य धर्म पिताए हुए वो अपनी वाणी चला करके चले गए शरीर छोड़ दिया खुद नीचे गिरे अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिरा कर चले गए और दुनिया भी नीचे चली गई उसमें वो साधारण ब्रह्मा बाप भी आ जाते क्योंकि उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया भले सूक्ष्म शरीर से अभी किसके तन में आते गुंजार दादी के तन में आते हैं लेकिन फिर भी बुलाने से आते हैं क्या माना उनके ऊपर भी कोई अथॉरिटी चलाता है आओ तो आते हैं लेकिन यहाँ बताया विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति आप सभी के दिल में इमर्ज है जो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी होगा उसको कोई भी चला नहीं सकता
उसको कोई भी अपनी उंगली के इशारे पर क्या नचा नहीं सकता। अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले क्या अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले रतन और साथ में अलौकिक पालना वाले रतन यहाँ भी दो कौन कौन से रतन साकार ब्रह्म एक तो अभी साकार पालना लेने वाले रतन है जो साकार में पालना ले रहे हैं अव्यक्त पालना नहीं ले रहे जो अमृत मेले से साकार पालना लेने की स्थिति में रहते हैं और दूसरे अलौकिक दूसरे अलौकिक पालना वाले रतन इस लोक की पालना नहीं ले रहे हैं अलौकिक कौन सी पालना ले रहे हैं अव्यक्त बाप दादा से पालना ले जो अव्यक्त बाप दादा सूक्ष्म वतनवासी है उससे पालना लेने वाले हैं ऐसे दोनों प्रकार के रतन उनके दिल के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई है चाहे अव्यक्त की याद करने वाले हों पालना लेने वाले हों और चाहे व्यक्त साकार की पालना लेने वाले हों दोनों की यादें दिल की यादें बाप दादा के पास पहुंच गई कहा का समाचार सुना रहे हैं है? हाँ सूक्ष्म वतन का समाचार सुना रहे हैं जिस सूक्ष्म वतन के लिए मुरली में बोला है कि तुम बच्चे सूक्ष्म वतन को भी साकार शक्ति पर उतार लेंगे सूक्ष्म वतन से भी ऊंचा लोक कौन सा है उसको परम धाम के लिए भी बोला है तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो अभी कौन सा वतन उतारा होगा इस सृष्टि पर बच्चों ने कहे हुए तो 69 ने बोला था है? कितने साल हो गए 35 साल हो गए तो अभी 35 साल में तो बच्चों ने सूक्ष्म वतन को तो इस धरती पर उतार लिया होगा ना सूक्ष्म वतन को नीचे उतारने का मतलब क्या हुआ कि वो बच्चे सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में टिकने वाले बच्चे हैं इस साकार शरीर से ही लेकिन सूक्ष्म स्टेज में टिकते हैं साकार दुनिया को भूलते हैं देह और देह के संबंधों को भूलते हैं बोला सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है कौन सी तस्वीर दिखाई दे रही है स्मृति बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है तस्वीर कौन सी तस्वीर एक तो साकार पालना वाले बच्चे हैं दो प्रकार के बच्चे बताए ना और दूसरे अलौकिक पालना वाले बच्चे हैं दोनों के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है तो एक ही तस्वीर होगी या दो प्रकार की तस्वीर होंगी है एक ही तस्वीर होगी जो अलौकिक पालना लेने वाले हैं उनकी भी एक ही तस्वीर होगी और जो साकार में इस समय पालना ले रहे हैं उनकी भी एक ही तस्वीर होगी अलग अलग दो ही प्रकार के अलग अलग जो साकार में पालना लेने वाले हैं जानते हैं कि ये साकार वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बनकर इस शक्ति पर आया हुआ है उसकी पालना ले रहे हैं तो वो तस्वीर और जो अलौकिक पालना ले रहे हैं उस तस्वीर में अंतर होगा या नहीं होगा है? होगा है? क्या अंतर होगा अंतर होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट की ले
हाँ वो गुलजार दादी में जो सोल प्रवेश करती है, दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल, जो सुप्रीम सोल की याद में रहती है गहराई से, इसलिए बाबा ने कहा तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। तो गुलजार दादी के अंदर प्रवेश करने वाले को जो याद करते होंगे वो कौन सी तस्वीर याद करते होंगे, दादा लेखराज ब्रह्मा की तस्वीर याद करते होंगे ना, और जो वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी के साकार स्वरूप को याद करते होंगे वो कौन से स्वरूप को याद करते होंगे, साकार जो साकार में निराकार सुप्रीम सोल अधिकारी कर रहा है उस स्वरूप को याद करते होंगे, माने एडवांस पार्टी में जो भी शिव बाबा का पाठ चल रहा है साकार रूप में उस वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी के साकार रूप को याद करते होंगे, तो बाप है तो दोनों ही बाप दादा क्या क्यों क्यों है बाप दादा दोनों, हाँ गुलजार दादी में जो आते हैं वो भी सुप्रीम सोल की स्मृति में रहते हैं, इसीलिए सुप्रीम सोल बाप उनके साथ है इसलिए बाप दादा है, और वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी जो इस समय साकार में कार्य कर रहा है एडवांस पार्टी में उसकी जो तस्वीर है वो भी बाप दादा की ही तस्वीर कहेंगे, क्योंकि बाप दादा कंबाइंड है, बाप माना सुप्रीम सोल बाप और राम बाप, सुप्रीम सोल बाप और राम बाप, दोनों में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन होता है, उन दोनों में बनने वाला कौन है और बनाने वाला कौन है, राम वाली सोल जो राम बाप कहा जाता है वो बाप है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बनने वाला, और सुप्रीम सोल है बनाने वाला, वो तो हो गया बाप दोनों मिलकर, और दादा कौन हुआ जो अर्धचंद्र के रूप में प्रवेश है, दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल अधूरी आत्मा जो इस समय पढ़ाई पढ़ रही है एडवांस नॉलेज की वो हुई दादा, तो इधर भी अव्यक्त बाप दादा साकार में है और उधर अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त में पार्ट बजा रहा है, तो बाप दादा के इनपुट की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सब बच्चों के स्नेह की स्नेह से भरी हुई दिल समाई हुई है, सभी के दिल से एक स्नेह भरा गीत बज रहा है, क्या चाहे अलौकिक पालना वाले बच्चे हों और चाहे साकार पालना वाले बच्चे हों सभी के दिल में एक ही गीत बज रहा है मेरा बाबा, वो भी समझते हैं मेरा बाबा और ये भी समझते हैं मेरा बाबा, और बाप की दिल से यही गीत बज रहा है मेरे पीछे पीछे बच्चे, ये ऑटोमेटिक गीत अनहद गीत कितना प्यारा है, बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुना दे रहे, बाप दादा देख रहे हैं, कौन बोल रहा है बाप दादा देख रहा कौन बोल रहा है, बाप दादा देख रहे हैं नहीं, ये तो गुलजार दादी के तन से चलाई हुई वाणी है, गुलजार दादी के तन से जो ब्रह्मा की सोल वाणी चला रही है वही तो वाणी है, तो वो बोल रही है बाप दादा देख रहे हैं, कहाँ का समाचार सुना रहे हैं, वो सूक्ष्म मतलब का समाचार सुना रहे हैं जहाँ एडवांस पार्टी के बच्चे सूक्ष्म स्टेज में टिकने वाली स्टेज को वहाँ की बात बाप दादा ने बताई कि बाप दादा देख रहे हैं अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवली ने स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समझ बनाने का दिवस, क्या कहा
समर्थ बनाने का दिवस तो है, लेकिन कौन से विशेष बच्चों की तरफ इशारा किया? विशेष शब्द यहाँ भी लगा दिया क्या? क्या बोला? आज का दिन यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस। कौन से सभी बच्चों के प्रति? जो विशेष बच्चे हैं सभी, उन बच्चों के प्रति, साधारण पुरुषार्थ करने वाले बच्चों के प्रति नहीं, बेसिक रूप से पुरुषार्थ करने वाले बच्चों के प्रति नहीं, क्या विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है आज का दिन? बच्चों की ब्रह्मा बाप द्वारा ताज पोशी का दिन है क्या? कौन सा दिन है? ब्रह्मा बाप ने आज के दिन ताज पोशी कर दी। ताजपोशी माना जिम्मेवारी का ताज उन बच्चों को पहनाई दिया। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विशेष सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया है क्या? विशेष जिम्मेवारी का ताज, विशेष विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहनाया हुआ है। किसने पहनाया हुआ है? ब्रह्मा बाप ने स्वयं अननोन बने क्या? दुनिया की नजरों में स्वयं अननोन बने, गुप्त है, गुप्त पाठधारी है, और बच्चों को प्रत्यक्ष किया। बच्चों को साकार रूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया हुआ है। बाप बच्चों को आगे करता है, फादर सोर्स सन्स। तो साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया हुआ है। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया है। प्रकाश का ताज कौन सा होता है? जो अव्यक्त स्टेज बनती है तो उससे वाइब्रेशन निकलते हैं, आंखों से भी, चेहरे से भी, कई के वाइब्रेशन निकलते हैं, ज्ञान रूप प्रकाश के वाइब्रेशन निकलते हैं, ज्ञान रूप प्रकाश। वो प्रकाश ज्ञान का प्रकाश कहो, मन चिंतन मंथन का प्रकाश कहो, फरिश्ता स्वरूप का प्रकाश कहो, वो प्रकाश का ताज पहनाया हुआ है। स्वयं करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया क्या? स्वयं करावनहार बच्चों 59 से पहले कौन सा पार्ट बजाया था? करनहार का पार्ट बजाया। और अभी अभी खुद नहीं कर रहे हैं, बच्चों से करा रहे हैं। तो स्वयं करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया, इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस सुसमर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व स्मृतियां बच्चों को वरदान में प्राप्त है। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सब शक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे होंगे तो किस रूप में होने चाहिए? मास्टर सब शक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। ये सर्वशक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया सर्वशक्तिवान भव। कौन सा जन्म लेते?
दिव्य जन्म लेते ही। जैसे कि मैं दिव्य जन्म का अर्थ क्या होता है और एडवांस में दिव्य जन्म का अर्थ क्या होता है, जन्म किसे कहा जाता है? जन्म मन आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब जन्म होता है, या जब बाहर आता है बच्चा तब जन्म होता है? बाहर आता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है तब जन्म कहा जाता है। तो ऐसे ही बेसिक नॉलेज में बच्चों को दिव्य जन्म मिलता है, आत्मा का पहचान मिली तुम कौन हो, ज्योति बिंदु आत्मा, ये बेसिक नॉलेज मिलते ही बेसिकली ये पहचान आ जाती है हर आत्मा को कि मैं ज्योति बिंदु प्रकृति के मध्य में रहने वाली आत्मा हूँ, शिव बाप का बच्चा हूँ, अपनी स्मृति आ जाती है। ये तो बेसिक का जन्म हुआ दिव्य जन्म, और एडवांस बेसिक में तो सिर्फ इतना हुआ कि मैं हु एम आई, मैं ज्योति बिंदु और एडवांस में एडवांस में इसका अर्थ एडवांस हो जाता है, क्या हो जाता है? मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली किस कैटेगरी की आत्मा हूँ? बाप के जो बच्चे होते हैं ना, पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों में कोई पास विधान पैदा होते हैं, कोई फर्स्ट क्लास होते हैं, फर्स्ट डिवीजन में पास होने वाले, कोई बाप की सहयोगी भुजाएं बनकर रह जाते हैं, ब्रह्मा के हजार भुजाएं गाये हुए हैं, कोई जन्म जन्मांतर के प्रिंस प्रिंसेज बन करके रहते हैं, राजा कभी बने कभी न बने, वो 16108 की लिस्ट राज घराने वालों की। तो कहा दिव्य जन्म क्या, ये दिव्य जन्म है सब शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया सब शक्तिवान भव, क्या सर्वशक्तिवान भव वरदान, दिव्य जन्म भी मिला बच्चों को, माने अपनी स्मृति आ गई कि मैं किस कैटेगरी की आत्मा हूँ, किस ग्रुप की विशेष आत्मा हूँ, और साथ साथ सर्वशक्तिवान का वरदान भी प्राप्त हुआ। ये हर जन्म दिवस का वरदान है, क्या हर जन्म दिवस का वरदान है, मन एक जन्म दिवस का नहीं, 84 जन्मों में भी तुम सर्वशक्तिवान भव माने विश्व में जो भी आत्माएं हैं उनके बीच में तुम हीरो पार्टधारी पार्ट बजाने वाले बच्चे हो। इसलिए बोला यह हर जन्म दिवस का वरदान है सर्वशक्तिवान भव, इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। ऐसे ही व्यर्थ नहीं कमाओ, हर एक बच्चे को मिली हुई है शक्तियां, लेकिन कार्य में लगाने में नंबर वार हो जाते हैं, क्या ये हीरो पार्टधारी की शक्तियां जो भी विशेष बच्चे हैं उनको मिली हुई है, लेकिन फिर नंबरवार क्यों बन जाते, क्योंकि उन शक्तियों को नंबरवार कार्य में लगाते हैं, जैसे लगाना चाहिए वैसे सभी कार्य में नहीं लगाते। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण आर्डर कर सकते हो, अगर वरदाता के वरदान की स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को आर्डर करेंगे
तो हर शक्ति हाजिर होनी है। अठाईस से आदर करेंगे तो वरदान के प्राप्ति के मालिक बन के स्मृति स्वरूप में आप आदर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए ये हो नहीं सकता। लेकिन मालिक बनकर मास्टर सब शक्तिवान के स्मृति की सीट पर सेट होकर बिना सीट पर सेट होके कोई आर्डर माना नहीं जाता है क्या? वटी होती है, सीट होती है, उस सीट पर सेट होकर के आर्डर दिया जाता है। तो कौन सी सीट मिली है इन तालदारी बच्चों को? विश्व की विशेष सेवा की ताज इन बच्चों को प्राप्त है। वरदान है मास्टर सर्वशक्तिमान भव, तो सीट पर सेट होकर आर्डर करना है। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते तो आप हाजिर हो जाते हो क्या बाप? ओबीडिएंट सर्वेंट के रूप में बच्चों के सामने हाजिर हो जाता है, हुजूर हाजिर हो जाता है। जब हुजूर हाजिर हो सकता है तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी? सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से आर्डर करो। ये सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बाप की प्रॉपर्टी होती है बच्चों के लिए होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से आर्डर करो। 18 जनवरी 2004 की वाणी का दूसरा पेज। मेहनत क्यों करते हो? आर्डर करो। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो इस स्मृति से आर्डर करो। क्या वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं? जो इस दुनिया का वर्ल्ड अथॉरिटी है, हीरो पार्टधारी क्या होगा? वर्ल्ड का अथॉरिटी वाला होगा। तो वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो क्या? दीदी दादी दादाओं के थ्रू पैदा होने वाले बच्चे नहीं हो? दीदी दादी दादाओं ने तुमको इशारा नहीं दिया है कि तुम्हारा ये पद बनने वाला है? तुम इस गुप्त के बच्चे हो। किसके बच्चे हो? किसने जन्म दिया है? बाप ने दिव्य जन्म दिया है। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, ये स्मृति का नशा सदा ही बज रहे। आज हो नशा कल न हो, ऐसे नहीं सदा स्मृति रहे। अपने आप को चेक करो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के अधिकारी आत्मा हूँ, यह स्मृति स्वतः रहती है। स्वतः कब रहेगी? अपने आप कब रहेगी? जब याद में रहेंगे। प्रैक्टिकल में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने वो दिव्य जन्म दिया होगा तो स्वतः स्मृति रहेगी। राजा का बच्चा हो, प्रैक्टिकल में बच्चा हो, तो उसे स्वतः स्मृति रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी, रहती है या कभी कभी रहती है? पूछा। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही चारों ओर झगड़े चल रहे हैं। क्या चाहे दुनिया में देखो, देश विदेश में देखो, चाहे बेसिक ब्राह्मण परिवार में देखो, काहे के झगड़े चल रहे हैं? अधिकार लेने के झगड़े चल रहे हैं। एडवांस पार्टी में भी अधिकार लेने के झगड़े चल रहे हैं। और आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा अधिकार किसे कहेंगे? जो अधिकार स्वयं परमात्मा ने दिया है।
और आप सबको परमात्मा अधिकार परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। जब से आपको दिव्य जन्म मिला बुद्धि में ये बात सेट हो गई कि मैं इस ग्रुप की आत्मा हूँ। क्या सूर्यवंशी हूँ, चंद्रवंशी हूँ, बौद्धिवंशी हूँ, क्रिश्चियन वंशी हूँ, बुद्धि में सेटिंग होती है ना, होगी कि नहीं होगी? तो आप सबको परमात्मा अधिकार परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो। क्या अपने अधिकार की समर्थी में रहो, समर्थी में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। जो आत्माएं तुम्हारे संसर्ग संपर्क में आए वो भी समर्थवान हो जाए। सर्वात्मा इस समय समर्थ अर्थात शक्तियों की भिखारी है। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते ही रहते हैं। क्या कहा? जड़ चित्रों के आगे मांगते ही रहते हैं। अष्ट देव गाए जाते हैं ना, उन अष्ट देवों के चित्रों के सामने जाएंगे और मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं हे समर्थ आत्माएं सर्वात्मा को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का टेंशन हर बच्चे को रखना है आवश्यक है, जो बाप दादा ने भी इशारा दिया। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। अभी जितना जितना प्रत्यक्षता का टाइम नजदीक आता जाता है उतना उतना संकल्प और समय की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। ठीक आती है? तो ये व्यक्ति की लिखे समर्थ स्थिति को सदाकाल की स्मृति बनाने नहीं देती। कौन सी लिखे? संकल्प और समय व्यर्थ चला जाता है। इसलिए व्यर्थ को बेस्ट में चेंज करो, बजट की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो सारे दिन में संकल्प और समय व्यर्थ कितना हुआ और बेस्ट यूज कितना किया। अगर मानो 40% वेस्ट है और 20% बेस्ट है, क्या 40% बेस्ट है तो 20% तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, ज्यादा परसेंटेज तो हम सफल कर लेते हैं, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन ये बेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है, फाइनल पेपर में धोखा दे सकती है, नंबर वार बना देगी। ये संकल्प और समय को बेस्ट करने की आदत, वेस्ट करने की आदत नंबर वन बनने नहीं देगी। तो रोज रात को जैसे ब्रह्मा बाप ने आज में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की दरबार नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई, आर चलाया। हे मन मुख्यमंत्री यह तुम्हारी चरण अच्छी नहीं है। क्या सबसे ज्यादा गड़बड़ कौन करता है? मन रूपी मुख्यमंत्री। हे मन मुख्यमंत्री यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है, आर में चलो। ये तीन मुख्य शक्तियां है ना, कौन कौन? मन बुद्धि और संस्कार, ये आत्माओं की जैसे शक्तियां हैं। जो बाबा की भी ये तीन शक्तियां हैं, कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर।
तो बोला हे मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है, आड़ में चलो, इस आड़ में नहीं चलना। मन रूपी घोड़ा कहा जाता है ना, एक मुरली में बोला है, तीन मूर्तियों में भारतीय गवर्नमेंट ने तीन शेर दिखा दिए, वो समझते है इस संसार की जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाले कोई तीन शेर हुए होंगे, लेकिन बाबा कहते हैं कि वास्तव में वो तीन शेर नहीं है, उनमें एक घोड़ा है, एक शेर है, एक बकरी है। क्या उसमें सबसे ज्यादा जास्ती चंचलता करने वाला कौन है? मन रूपी घोड़ा। तो उसको लगाम लगाने की बात, हे मन रूपी मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, आड़ में चलो, हे संस्कार आड़ में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। आपकी चंद दरबार लगाई, हर रोज लगाई, ऐसे अपनी दरबार लगाओ, स्वराज्य दरबार। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रुहान करते हैं, पर्सनल रुहान करते हैं, बताएं क्या करते हैं, कई पर्सनल करते हैं, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ। क्या हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे, बाप दादा से पूछते हैं, चिट्ठियों में भी पूछते हैं, आमने सामने भी पूछते हैं। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगदम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे, मम्मा आप हमको चित्र दो कि हम सतयुग में कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रूढ़ियान करते, अपना चित्र मांगते हैं। अभी आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। क्या दिया है? विचित्र दर्पण, विचित्र शीशा दिया है। वो दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना, हो स्वराज्य अधिकारी हो, अगर हो तो हाथ उठाओ, स्वराज्य। अच्छा, कोई कोई हाथ नहीं उठा रहे, थोड़ा थोड़ा उठाए रहे, थोड़ा थोड़ा स्वराज्य अधिकारी है क्या? अच्छा, स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक हो। तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। तो ये दर्पण है, सबको मिला हुआ है ना, क्लियर है ना, कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए हैं किसमें? दर्पण में। अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी आईने के ऊपर जैसे गर्म पानी की भाप लिपट जाती है, उसका कोहरे के मुआफिक आ जाता है आईने में। 18/1/2004 की वाणी का तीसरा दिन, जैसे फागी होती है तो आईने पर ऐसा हो जाता है जो आईना क्लियर नहीं दिखाई देता, नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्म इंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, चाहे आंख हो, चाहे हाथ हो, चाहे पांव हो, अगर पूरे कंट्रोल में नहीं है, है कंट्रोल में, सदा है या कभी कभी है?
है मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पांव हो, पांव भी बुरे संग की तरफ चला जाता है, कभी कभी चला जाता है। तो पांच भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना, पांच इंद्रिया है ना, समझो उनमें से पांव कंट्रोल में नहीं हुआ, संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की कथाएं सुनेंगे उल्टी उल्टी, सुल्टी नहीं, सुल्टी कथा क्या होती है, सीधी कथा क्या होती है, रामायण और भागवत की ज्ञान मर्यादा के अंतर्गत हम संगम युग में हम सुन रहे हैं। क्या एडवांस पार्टी में कोई भाग भाग के आती है धरना छोड़ करके, तो उनके घरों में कथाएं चलती है। हाँ उल्टी तरह की होती है, कृष्ण जी के भी इतनी रानी थी और सिद्धि ऐसे होती है कि कृष्ण जी जो है सबको ध्यान देने बोली सुना करके खींच लेते हैं। हाँ तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है तो इससे चेक करो। जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी। तो राजा कैसे बनेगी, बात तो सब एक्यूरेट है, कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ के प्रारब्ध के रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो पुरुषार्थ की प्रारब्ध क्या होगी, हिसाब करने में तो होशियार हो ना, हिसाब किताब करने में तो सब होशियार है। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शकल देखो, राजा की शकल आती है, राजा की शकल कैसी दिखाई देगी, सभी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। रॉयल फैमिली की शकल आती है, अच्छा राजा की ने सही, जो 16,000 में रॉयल फैमिली के लोग होते हैं, अच्छा रॉयल प्रजा की आती है, प्रजा की फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास पर प्रजा भी होगी, अच्छा साधारण प्रजा की आती है, कौन सी शक्ल आती है, तो चित्र मिला, इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल का राज्य भाग प्राप्त कराता है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय में अगर आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़े समय का हुआ, थोड़ा बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना, तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, बहुत काल का लंबा पुरुषार्थ होगा, अच्छा तो 21 जन्म का राज्य भाग मिलेगा, अगर बीच बीच में कट होता रहा तो राज्य भाग भी कट होता रहेगा। अच्छा तख्त पर भले नहीं बैठे हर जन्म, तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी तो बने, क्या कति हुए, एक ही राजा होता है वही तख्त पर बैठेगा, बाकी सभी पुरुषार्थी तो उस जन्म में नहीं बैठेंगे, लेकिन फिर और क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं, कम से कम उस राजा के राज्य अधिकारी तो बन सकते हैं। ये बहुत काल का बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है, इसीलिए आने वेले नहीं बनना, क्या कहा, ये चेकिंग में अरे मेरे नहीं बनना,
अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं लगी है क्या? पहले विनाश की डेट फिक्स की थी कौन सी? 76। वो तो समझ में आ गया एडवांस वालों को कि 76 विनाश की शुरुआत बताई गई थी, फाइनल विनाश की डेट ज्ञान के अनुसार नहीं थी। तो बोला है विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई, तो ज्ञान यज्ञ के लोगों के बीच में ही दो खाने होने चाहिए ना, तो हो गए एक बेसिक पार्टी और दूसरी एडवांस पार्टी हो गई, तो विनाश की शुरुआत हो गई। तो एक तो वो, दूसरे फिर आई 2000 है, 2000 किसके लिए? जो 2000 के आसपास आई उसमें बताया कि फिक्स नहीं बता रही, 2 साल पहले भी हो सकता है और 2 साल बाद भी हो सकता है, माने 1998 में भी हुआ ना एडवांस पार्टी में। एडवांस पार्टी में खेड़ बखेड़ा कौन से सन में हुआ? नहीं गेट में, तो वो भी गलत नहीं थी, लेकिन एडवांस पार्टी में भी वो शुरुआत थी क्या? वो भी पूरा अंत नहीं। लेकिन ये दोनों प्रकार जो विनाश की डेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो टाइम बताया वो टाइम फाइनल नहीं था। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में वो फाइनल टाइम आने वाला है, क्यों? क्योंकि अभी कलयुग शूटिंग का टाइम भी 2004 में समाप्त हो रहा है। तो बोला बहुत काल का राज्य भाग प्राप्त है, अगर आप सोचो कि अंत समय बेहद का वैराग्य आ जाएगा तो ये ठीक नहीं। भले डेट फिक्स नहीं है विनाश की, 8 वर्ष होगा 10 वर्ष होगा पता नहीं कब होगा, तो आने वाले समय में हो जाएंगे ऐसे नहीं सोचना। विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो क्या? हमारा जो जन्म काल वर्तमान जन्म है उसका अंत कब है, और नया जन्म जो होगा उसकी शुरुआत कब है? इसी अभिषेकवाणी में क्या बताया, ये वर्ष नया वर्ष नहीं, क्या मनाओ? नया जन्म, पुराना वर्ष पुराना जन्म, और नए वर्ष में नया जन्म, पुराने वर्ष में पुराना युग और नए वर्ष में नया युग। तो अपने जन्म का अंतकाल सोचो, आपके पास डेट फिक्स है, अपने अंतकाल की डेट फिक्स है, किसके पास पता है किस डेट पर मेरा मृत्यु होना है? है किसके पास? नहीं है ना, विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो और जगदम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो, अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, न विश्व की डेट बताई जाएगी और न आपके अंतिम घड़ी की डेट बताई जाएगी, सब अचानक का खेल है। इसलिए दरबार लगाओ, हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, आग में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है लाइन आर्डर होगा और स्वतः ही होगा, लव और ला दोनों का बैलेंस होगा, नेचुरल होगा, राजा ला पास नहीं करेगा,
वहाँ ये लाभ है, क्योंकि सारे ही लाभ अभी संगम युग में पास हो रहे हैं। जैसे आजकल लाभ बनाते रहते हैं, विधानसभा भवन बना हुआ ना, विधान माना तो आजकल तो पुलिस वाला भी लाभ उठा लेता है क्या? विधानसभा में जो मनुष्य कानून बनाते हैं, विधान बनाते हैं, संविधान को चेंज कर लेते हैं, उस संविधान को पुलिस वाला भी अपनी मुट्ठी में ले लेता है, लेकिन वहाँ नेचुरल लव और ला का बैलेंस होगा आने वाली नई दुनिया में। तो अभी आरएमआईटी या थाईटी की सीट पर ट्रैक हो जाओ, ये कर्मेंद्रियां शक्तियां गुण सब आपके जी हुजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे। जी हजूरी करेंगे तो क्या करेंगे? अभी दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना, 18/1/2004 की वाणी का चौथा पेज। सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए क्या? बड़े बड़े नेताओं को बुला लेते हैं और उनका सम्मान समारोह मनाए देते हैं। अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ, ये समारोह मनाओ, वेस्ट खत्म करो, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीपक जगेंगे। क्या कहा है? किसके ऊपर मदार है? ये सफलता मूर्त का मदार किसके ऊपर है? बच्चों के ऊपर? कितने बच्चों के ऊपर है? विशेष बच्चे बताए, उनके ऊपर ये मदार है। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। कोई भी सफलता होती है तो दीपक जगाते हैं ना, तो अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई न कोई निराशा है, निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में, चाहे दुनिया वाले, चाहे बेसिक वाले और चाहे एडवांस वाले। तो हे अविनाशी दीपको, अब आशाओं के दीपकों की दीवाली बनाओ, पहले स्व फिर सन। सुना? बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख करके खुश है। स्नेह के सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुंचे हो? क्या लाया आपको? प्लेन लाई? नहीं। प्लेन लाया? इसने लाया ना? किसे पूछा? बच्चे। साधारण रूप से सभी बच्चों से पूछा, लेकिन कोई विशेष बच्चे भी है क्या? विशेष बच्चे भी है। अभी तक 3 सीट्स तो फिक्स हुई है ना, लेकिन अभी कितनी सीट्स फिक्स होंगी है? 3 के बाद 8। तो बोला आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुंचे हो? कहाँ? अलौकिक बाप की पालना लेने के लिए पहुंचे हो माउंट आबू वाले 18,000 के हाल में, या जो वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी है एडवांस में पार्ट बजाय रहा है उसके पास पहुंचे हो मेहनत करके? क्योंकि बिना पुरुषार्थ के तो नहीं पहुंचा जा सकता। पहुंचा जा सकता है? नहीं। तो पूछा आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुंचे हो? आपको क्या लाया? ट्रेन लाई? ट्रेन लाया? नहीं।
कौन लाया? इसने लाया। जिन आत्माओं का पिछले 63 जन्मों का साकार बाप दादा, जिन्हें हम रामकृष्ण की आत्माएं कहते हैं, उनके साथ जन्म जन्मांतर का स्नेह होगा, वो संगम युग में भी वो आत्माएं उनका स्नेह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। तो बोला, आप इतनी मेहनत करके यहाँ पहुंचे हो, स्नेह के प्लेन से पहुंच गए हो, तो स्नेह में तो पास हो, अभी आर माई की अथॉरिटी में मास्टर है, इसमें पास हो जाओ। तो ये प्रकृति कौन है? प्रकृति अभी सबसे ज्यादा एडवांस पार्टी में कोऑपरेट प्रकृति माता कर रही है या प्रकृति पति कर रहा है? आपको कौन कोऑपरेट कर रहा है? आपको ज्यादा सहयोग किससे मिल रहा है अभी? प्रकृति पति से सहयोग मिलने की अनुभूति तो हो रही है एडवांस पार्टी वालों को, लेकिन प्रकृति विचित्र पार्ट, वंडरफुल पार्ट बजाए रही है। तो ये प्रकृति और दूसरा कौन वंडरफुल पार्ट बजाए रहा है? माया। माया क्या? माया माया कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में माया बेटी है ना? वो माया बेटी ब्राह्मणों को बड़े बड़े आडंबर के प्रोग्राम करके दुनिया से, दुनिया की आत्माओं को, ब्राह्मणों की दुनिया की आत्माओं को ज्ञान से हटाए रही है। क्या कहा? दूर ले जा रही है। जैसे शक्तिमान सीरियल आता है, एक पार्टी कहती है अंधेरा कायम रहेगा, तो ज्ञान के नजदीक नहीं आने देती। तो ये प्रकृति, ये माया, ये संस्कार, ये सब आपके दासी बन जाएंगे। प्रकृति भी माता के रूप में आपकी दासी बन जाएगी, ये माया भी क्या बन जाएगी? दासी बन जाएगी। इसलिए मुरली में बोला हुआ है, जब तुम बच्चों की विजय होगी तो सबसे पहले माया तुम्हारी दासी बनेगी। कौन बनेगी दासी? माया सरेंडर होगी। अच्छा, अभी इतने सरेंडर हुए ही नहीं है बेसिक नॉलेज में, एडवांस नॉलेज में माया ने सरेंडर तो हुए हैं, कागज पे हुए हैं। लेकिन असली सरेंडर कौन सा होता है? जो मन बुद्धि से सरेंडर हो जाए। तो मन बुद्धि से सरेंडर अभी कोई नहीं हुआ, अपनी अपनी आकर चलाते रहते हैं कुछ न कुछ परसेंटेज। तो बोला, यह प्रकृति, यह माया, ये संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे, मालिक हमारे लिए क्या ऑर्डर है? ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा। संपन्न कैसे बन गया? पंछी उड़ गया, पिंजरा खुल गया। हिसाब किताब साकार की दुनिया का, साकार के तन का पिंजरा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिख, बहुत प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, अभी आओ, ये आवाहन कर रहे हैं। इतनी जल्दी जल्दी क्यों मचा रहे हैं? इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? क्योंकि अभी सीन पलटने वाला है। आखिरी घड़ी आ पहुंची, इसलिए आवाहन कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए हैं ना? हैं? कौन से पंख? ज्ञान के पंख। ज्ञान और योग के पूरे पंख मिल गए हैं ना? क्या अभी कोई कमी है? ज्ञान योग के पंखों में कुछ कमी है या पूरे पंख मिल चुके हैं? पंख तो तैयार हो गए हैं ना, बस
सभी एक सेकंड में अपने दिल में ये ड्रिल करो, अभी अभी करो, ये संकल्प सब समाप्त करो, यही ड्रिल करो और बोलो, अंदर से बोलो, दिल से बोलो, बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने के बने। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के इसने ही सो समर्थी बच्चों को क्या कहा, चारों के समर्थी का आधार भी क्या बताया है? इसने इसने बनी बनाई बन रही अब कुछ बदीना है। जिन्होंने पूर्व के 63 जन्मों में हर जन्म में पूरी प्रीति जुटाई होगी, वो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी वो प्रीति प्रैक्टिकल में दिखाई देनी चाहिए। तो कहा चारों ओर के इसने ही सो समर्थी बच्चों को, वो स्नेह का रिजल्ट क्या आएगा, समर्थी चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी, ईश्वर के स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर आलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को आदर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थी दिवस का बाप दादा का याद प्यार और नमस्कार। ओम शांति।